नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल गोलूज रेसिपीज़ में। आज हम बनाने वाले हैं अरबी की पत्ते की पकोड़े की सब्ज़ी। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो इसे देख के ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी तरह से बनाइएगा। तो मैंने अरबी के पत्ते को काट लिया है, इस तरह से मैंने सारे अरबी पत्ते को आराम से काट लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, थोड़े टाइम में ही हमने इसे फास्ट कर लिया है। आप चाहे तो दूसरा प्रोसेस भी इसमें फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से बनाने में बहुत इजी पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने जो है लगभग 12 से 13 अरबी के पत्ते लिए थे मीडियम साइज के, तो मैंने इसे इस तरह से काट लिया है लंबे टुकड़ों में। आप चाहे तो फोल्ड करके भी बना सकते हो, वो भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी अरबी के पत्तियों को कट कर लिया है। तो इस कप से मैंने मेजर किया है बेसन का, तो ये लगभग हाँ 1 कप हमने बेसन इसमें डाला है। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा बेसन यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, मैंने इसे स्टीम भी किया है इसमें, तो मैंने लगभग 2 कप बेसन डाल दिया है। और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बेसन का इसमें यूज़ करूँगा। तो इधर मैंने चावल का आटा ले लिया है, चावल का आटा मैंने लगभग उस कप से 1.5 कप यूज़ किया है। चावल का आटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो आपके अरबी के पकोड़े बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इधर मैंने इमली को पानी में भिगो के रख दिया था, आप चाहे तो इसमें लेमन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इमली के पानी डालने से इसका जो अपने गले में जो काटता है ना वो नहीं आएगा, वो नहीं काटेगा। तो मैंने इमली के पानी को एकदम अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और इधर मैंने 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डाला है, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें मीट मसाला भी ऐड कर सकती हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। और ये मैंने इमली का पानी जो भिगो के रख लिया था उसको मैंने अच्छी तरह से स्मैश करके पानी बना लिया है, और बाकी के आउटर पार्ट को मैंने निकाल के रख लिया है। ये बिना बीज वाली इमली थी, इसके लिए बहुत इजीली ऐसे इसका डो जो है बना लेंगे हम। तो ये देखिए, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इमली का पानी ही डालोगे तो वो ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ी भी तो आप एक्स्ट्रा पानी यूज़ करिएगा इसमें, लेकिन बहुत सारे केस में इसमें पानी का यूज़ नहीं पड़ता है क्योंकि आपने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो अब मैंने इधर ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिंजर चिली का पेस्ट सॉरी। तो मैंने गार्लिक भी इसमें ऐड किया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट विथ चिली। तो मैंने तीनों को एकदम फाइन चॉप करके पेस्ट बना लिया था। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसका डो एकदम अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने इधर से थोड़ा सा तेल लिया है, तेल को हम क्या करेंगे अपने हाथ पे जो है रफ कर लेंगे, जिससे तो हमारा ये जो डो रहेगा हमारे हाथ पे ज़्यादा स्टिक नहीं होगा। ऐसा तो नहीं स्टिक नहीं होगा, स्टिक तो होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा स्टिक नहीं होगा, आपको बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें से थोड़ी सी लोई तोड़ ली है, लोई को तोड़ के मैंने देखिए इस तरह से मैंने इसे फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करने के बाद इस तरह से लंबे फ्लैट किया है, हम इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे क्योंकि हम जब स्टीम करेंगे ना तब ये आराम से फूल जाएंगे। तो इसे स्टीम करते वक्त ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूरी दूरी में रखें, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। तो इधर मैंने ना स्टीम होने के लिए इधर डाल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो पानी मैंने इधर गर्म करके ऑलरेडी रख लिया था पहले, मैंने इसे स्टीमर में डाल दिया है अच्छी तरह से स्टीम होने के लिए। तो मैंने इधर एक बार में 3 बनाए हैं और 3 है मैं उसे अलग से बनाऊंगा। तो इसे कवर करके हम रख दिए हैं। ये देखिए, हमारा जो एक साइड से है वो एकदम आराम से पक गया है, लगभग 10 मिनट हमने एक साइड में पका लिया है, और दूसरे साइड में हम सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे क्योंकि हमारा जो ऊपर का लेयर जो है वो आधा पक गया है, हमें आधा ही पकाना है। तो इस तरह से मैंने जो है तीनों को आराम से पलट लिया है, आराम से पलटेगा नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट यही है जो हमें आराम से पलटना होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था ये फूल जाएंगे। तो ये देखिए हमने कितना पतला बनाया था और ये कितना मोटा हो गया है, तो ये एकदम आराम से फूल गया है।
तो इसे हाँ ये हमारा बन के एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और दूसरा टाइम डाल देंगे। तो इसे कवर कर दिया है हमने और अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर ये देखिए ये एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आराम से इसे कैच कर रहा हूँ, तो एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो ये देखिए अब मैं इसे अपना जो चाकू है वो डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए एक थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है, यानी बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। अब मैं इसे हल्के हाथ से ही कट करूँगा, हेवी हाथ नहीं डालूँगा, नहीं तो ये फट फट जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो है मैंने इसमें सारा कट कर लिया है। तो मैंने एक ही का इधर यूज़ किया है, आप चाहे तो इसमें दो तीन कितना भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने आराम से काट लिया है जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने सारा इसमें कट कर लिया है। ये देखिए लगभग 15 हमारे ये जो पकोड़े हैं वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे हम इस तरह से एक प्लेट में रख लेंगे। इधर हमने ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है, अब हम इसे तलना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा ऑयल जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम एक एक पकोड़े जो है इसमें डाल देंगे। तो इधर मैंने एक एक करके जो है सारे अपने पकोड़े डाल दिए हैं। मैंने एक बार में फ्राई नहीं किया है, ये शैलो फ्राई किया है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन ये शैलो फ्राई करने से बहुत कड़क कड़क बनता है और इसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैंने ही ना लगभग आधे डाल दिए है इसमें और आधा बाकी है। तो इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगा, शैलो फ्राई किया है, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं जैसा कि आपको मैंने बोल दिया है। तो ये देखिए अब हम इसे पलट लेंगे, एक साइड से आराम से फ्राई हो गया है, अब हम दूसरे साइड से इसे फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था ये बहुत इजीली मेड होता है और आप इसे चाय के नाश्ते के साथ भी खा सकती हो। तो एक बार घर पे ज़रूर बना के देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपने ट्राई किया है कि नहीं, और ट्राई किया तो अच्छा बना है कि नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ये बनता है। पूरी बिल्डिंग में मेरे से ये रेसिपी मांगी जाती है। तो इसे मैंने आराम से फ्राई कर लिया है, तो उनके कहने से मैंने ये रेसिपी बनाई है। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है गर्मी का मौसम है, तो आप इसे एक बार घर पे बनाइएगा और अपने जो बच्चों को है या अपने किसी भी रिलेटिव्स को देके देखिएगा, कोई मेहमान आए आपके घर पे चाय के नाश्ते के टाइम इसे डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा उनको। वो आपकी तारीफ़ करते रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इसमें इमली का पेस्ट ऐड कर दिया था, जिससे कि जो है ना आपका तारीफ जो है वो कम ही नहीं होगा, आप बहुत पॉपुलर हो जाओगे। तो ये एक सीक्रेट रेसिपी है मेरी जो मैंने यूट्यूब पे शेयर की है। तो इस तरह से मैंने दूसरा डाल दिया, दूसरे बार डाल दिया है, दूसरे बार जो है एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो हम इसे भी एकदम प्लेट में लगा लेंगे। तो एक एक करके मैंने इसमें प्लेट में लगा दिया है। ये देखिए इसका कलर जो है कितना अच्छा आया है, आपको लग रहा होगा जल गया है, नहीं, इसमें हमने चावल का आटा यूज़ किया था ना, इसके वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, प्याज ऐड करके इसका करी हम बनाएंगे। प्याज जो है हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो। टमाटो को भी हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पेस्ट का यूज़ कर सकती हो। इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड नहीं किए, आपको पता है गर्मी का मौसम है तो हमें हल्का फुल्का खाना ही जमता है। तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट डालने के बाद हमारा जो प्याज है वो एकदम अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसमें मैंने सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसे मैं लगभग 2 से 3 मिनट तक कवर कर दूंगा, जिससे जो हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर जो है हल्का सॉफ्ट हो चुका है और तेल जो है वो निकलने शुरू हो चुके हैं, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ड्राई स्पाइसेस। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया था। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मसाले को हम थोड़ी देर तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो मैंने इसे कवर करके लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लिया है। जो हमारे प्याज और टमाटर है वो एकदम अच्छी तरह से गल जाएंगे इस स्टेप पे।
तो ये देखिए एकदम वाव कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है, देख सकती हो, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। तो ये रमज़ान स्पेशल है, रमज़ान स्पेशल पे मैंने ये बनाया है। तो रमज़ान आने वाला है, आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, रोज़े के वक्त आप यूज़ कर सकती हो। तो मैंने इसे आज फिर से कवर करके लगभग 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है, तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये रेसिपी। 5 से 6 मिनट तक हम इसे कवर करके पका चुके हैं, ये देखिए वाह फ्रेंड्स बहुत अच्छा कलर आया है। तेल जो है मसाले पे आना शुरू हो चुका था, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप अपनी ग्रेवी के कंसिस्टेंट पे इसमें पानी ऐड करिएगा, आपको अगर ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो कम पानी यूज़ करिएगा, और आपको ज़रा पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी में यूज़ करिएगा। तो इसे कवर करके मैंने एक उबाल आने दिया है हल्का, तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, इसमें हल्का उबाल आ चुका है। अब अपने हम सारे पकौड़े जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका ग्रेवी कितना अच्छे कलर में आया है और बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक कवर करके कुक कर लेंगे, जैसे जो हमारे पकौड़े में जो है वो सारा जो हमारे मसाले का स्वाद रहेगा वो एकदम अच्छी तरह से आ चुकेगा। तो इसे मैंने लो फ्लेम पे कुक किया है, हाई फ्लेम पे कुक मत करिएगा, नहीं तो आपकी ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाएगी। लो फ्लेम पे जो अलग ही मज़ा है सब्ज़ी बनने का। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये मैंने तो सर्विंग बाउल रख लिया है, अब हम इसमें एक सारा सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी टेस्टी दिख रही है, घर पे आप ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये बनाने में थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कुछ कमेंट्स आपको शेयर करूँगा क्या इसमें आप इम्प्रूव करिएगा। तो इसे मैंने अच्छी तरह से सर्व कर लिया है। तो मैंने एक एक पकौड़े को है ना एकदम इमली के पानी से ये कर लिया था, इसके वजह से आपके गले में जो है काटेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो इसे मैंने अच्छी तरह से सर्व कर लिया है, एक बार घर पे फ्रेंड ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे जो मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।